हेलो स्टूडेंट्स लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन इज इफ फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू वन पॉइंट फाइव एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू थ्री बाई फाइव देन प्रोबेबिलिटी बी ऑब्लिक ए इज़ इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ठीक है तो सबसे पहले देखिए भाई तो जो प्रॉबीबिलिटी ऑफ़ ए माइनस बी जो दिया हुआ है हमें दिया हुआ है वन पॉइंट फाइव आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रॉबीबिलिटी ऑफ ए माइनस बी जो है वो कितना था प्रॉबाबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ठीक है तो ये अगर नहीं पता तो आप इसको प्लीज़ आपको ये लर्न कर लीजिए कि प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनस बी हमेशा क्या था प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनस प्रॉपर्टी ऑफ ए इंटरसेशन क्योंकि आपको ये सेम रिलेशनशिप आपको वहाँ पे बताया जाता है सेट थ्योरी में प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनस बी मतलब डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या बताया जाता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी और आप ये वैन डाग्रामेटिवली देख सकते हैं तो ये हो गया हमारे पास तो इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें नोन है थ्री बाई फाइव प्रॉबिलिटी ऑफ ए माइनस बी हमें पता है तो इसको वन पॉइंट फाइव लिख देते हैं माइनस प्रॉबीबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इससे हमारे पास क्या आ जाएगा कि प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा थ्री बाई फाइव माइनस वन पॉइंट फाइव जो कितना जाएगा थ्री टू अपॉइंट फाइव यह आ जाएगा टू अपॉइंट फाइव ठीक है नाउ वी नीड टू फाइंड प्रॉबलिटी बी बाई ए बी बाई ए ये हमारी कंडीशनल प्रॉबलिटी है बी की इफ इवेंट ए इज़ ऑलरेडी अकर्ड तो इंडीशनल प्रॉब्लिटी इतना निकालने के लिए इसके हमारे पास क्या होता है ये देखिएगा प्रॉबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए क्या हमें प्रॉबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए पता है हाँ वो टू बाई फाइव हमने फाइंड आउट कर लिया है प्रॉबीबिलिटी ऑफ ए हमें पता है हाँ वो भी पता है थ्री बाई फाइव दोनों वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या जो वैल्यू आई है टू बाई थ्री तो प्रॉबीबिलिटी बी ऑब्लिक ए कितना आया है या बी बाई ए इक्वल टू कितना है टू बाई थ्री सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर सो so, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाए ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक